गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि करप्शन करने वाले के एहतसाब का फैसला सिर्फ हमारा नहीं बल्कि ये 22 करोड़ आवाम का फैसला है और जरूर होगा। हुकूमत नहीं ऑपोजिशन अपनी करप्शन की वजह से खतरे में है। पंजाब से सूबाई वुज़रा और पार्टी अहदेदारों की गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरतेहाल पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी अहदेदारों से बात करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, की तरक्की और खुशहाली की राह में रोड़े अटकाने वाली अपोजिशन कौम की खैर ख्वाह नहीं। अपोजिशन के खिलाफ एक भी केस हमारी हुकूमत ने नहीं बनाया। सियासी मुखालिफिन माजी में खुद एक दूसरे के खिलाफ केस बनाते रहे। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि माजी में हुक्मरान जमहूरियत के नाम पर कौमी खजाना खाली करते रहे। 22 करोड़ आवाम का फैसला है, जिन्होंने करप्शन की है उनका एहतसाब जरूर होगा। गवर्नर पंजाब का कहना था कि हम मुल्क और कौम की बका की जंग लड़ रहे हैं, उसूलों पर समझौता नहीं होगा। गवर्नर पंजाब से मुलाकात करने वालों में सूबाई वुज़रा मियाँ मोहम्मद असलम, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेंट्रल सदर तहरीक इंसाफ एजाज चौधरी, मुशीर वजीर आला सलमान शाह, नदीम बारा, उस्मान बसरा और जुबैर खान न्याजी शामिल है।